हाँ जज जनाब, आपका कुछ लगता कल क्यों नहीं आया था? सर जी मैं तो कल आया था। आया था तो हाजरी रजिस्टर पर हाजरी क्यों नहीं लगी हुआ? सर जी हाजरी तो आपने लगानी थी। बाहर चलाता है वो भी मेरे आगे, निकल जा क्लास से, गेट आउट। और राजे, और तू किस बात पर दांत निकाल रहा है? वैसे साहब मेरे तो दांत मुंह के अंदर ही हैं। इसका मतलब है कि मैं झूठ बोल रहा हूँ? वैसे साहब जी मेरा ये मतलब तो नहीं था। यानी मैं तेरा मतलब नहीं समझ सका हूँ? वैसे साहब मैंने ये तरह नहीं कहा। मतलब तो तेरा यही था ना, और मुझे चक्कर देने की कोशिश करता है, कंफ्यूज करता है मुझे। करता हूँ मैं तेरी हेडमास्टर साहब से शिकायत। वैसे साहब माफ कर दे, माफ कर दे। और मेरी जमात में माफी नहीं है, गेट आउट। ओए मजीद, ओ तू किस बात पे रो रहा है? मास्टर साहब मैं तो नहीं रो रहा, मेरी शक्ल ही ऐसी है। और मैं यहाँ पढ़ाने आता हूँ, ओ कोई रोनी बूथियां देखने नहीं आता। गेट आउट। तेरा क्या होगा नसीरा? जी प्रोफेसर साहब। मैं कहता हूँ दफा हो जा, गेट आउट। You ain't no prayer of mine. You ain't gonna look tomorrow. ओए, और तुम लोग क्या सारे तमाशा देख रहे हो? चलो भाई स्टैंडिंग फेसिंग द वॉल कर लो। चलो भाई गेट आउट। आप किधर जा रहे हैं? आप बैठे यहीं सर। बैठे। देखिए कुकू बेटा, इंसान जो है वो खता का पुतला है। मैं भी चूंकि इंसान वाकई हुआ हूँ, इसलिए छोटी मोटी खता मुझसे भी हो जाती है। जिस तरह मैंने कल आपकी हल्की फुल्की सी ठुकाई कर दी, मैं उसके लिए आपसे माफी मांगना चाहता हूँ। इसीलिए मैंने क्लास के तमाम जो नलायक शागिर्द थे उनको किटॉट कर दिया। नो सर, आप प्लीज ऐसा ना कहें, आप मेरे टीचर हैं, मैं आपकी बड़ी इज्जत करता हूँ सर। तो फिर मैं असल बात की तरफ आता हूँ। देखे टूटू बेटा, मेरा निका भांजा जो है ना, वो मैट्रिक में तीसरी बार फिर फेल हो गया है। मैंने कहा एवं पढ़ाई में इधर उधर वक्त जाया करेगा, क्यों ना उसको पुलिस में भर्ती करवा दिया जाए। जी सर। तो फिर आप अपने फूफा जी से कब बात करेंगे? कौन से फूफा? वही जो पुलिस के महकमे में आला ओहदे पर फैज है। सर वो तो पिछले महीने ही रिटायर हो गए थे। और तूने पहले क्यों नहीं बताया? है? आपने पूछा ही नहीं। जबान चलाता है मेरे साथ, मेरे साथ जबान चलाता है।